फोर्स नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। आज हम आपको ईसीजी चेंजेस के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रोलाइट जब चेंजेस आते हैं तो ईसीजी में क्या क्या चेंज आते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले आप देख रहे होंगे हाइपोकैल्सीमिया, डिक्रीज द सीरम कैल्शियम लेवल। देन यू सी इन द ईसीजी प्रोलोंग्ड एसटी इंटरवल एंड प्रोलोंग्ड क्यूटी इंटरवल। सेकंड वन हाइपरकैल्शियमिया, इंक्रीज द सीरम कैल्शियम लेवल। देन यू सी द इन द ईसीजी शॉर्टेड एसटी सेगमेंट एंड वाइडेड टी वेव। नेक्स्ट स्टार्ट द हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया इन द ईसीजी एसटी डिप्रेशन, शैलो फ्लैट और इन्वर्टेड टी वेव एंड प्रोलोंग्ड यू वेव। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोलोंग्ड प्रोमिनेंट यू वेव इन द हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट स्टार्ट द हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया टॉल टी वेव, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉल टी वेव सीन इन द हाइपरकैलेमिया। फ्लैट पी वेव, वाइडेड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड प्रोलोंग्ड पीआर इंटरवल। नेक्स्ट स्टार्ट द हाइपोमैग्नीसीमिया, टॉल टी वेव, डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट। नेक्स्ट स्टार्ट द हाइपरमैग्नीसीमिया, इन द हाइपरमैग्नीसीमिया प्रोलोंग्ड पीआर इंटरवल एंड वाइडेड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। सो दीज ऑल ईसीजी चेंजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। द फर्स्ट हाइपोकैलेमिया, hypokalemia, that is very important, and then next is a hyperkalemia. Now in the EMS exam, ask the prolonged ST segment and prolonged QT interval, that indicate the hypocalcemia. Thank you.